अंडा नहीं, आज कल लाए एक नया मुर्गा, वो जो हमारे फार्म का वापस से किंग आ गया। लड़ना इसके कांटे देख, मैं इसके कांटों पे दा फोकस मारे आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको देखें। गंदे बच्चे, उतर 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 उतर, बस उतर जंगली। तो यार मुर्गी बबलू के सिंह यार, अभी आज हम देख रहे थे, देख रहे हैं ये देखें, बड़े बड़े हो गए, देख रहे हैं एक एक इंच के हो गए, इतने पहले तो टूट गए थे। ये एक वाला टूट गया, आज मुर्गी ने अंडा उतारा है। हाँ अंडा उतारा है, जाओ उठाओ ये वा। ये मेरे को मारेगा, मैं पकड़ लूँ। और भी ये मेरे को भी आजकल मारने लग गया है, देखें अभी इसको मैंने ढुमका दिया, ये मेरे को भी ढुमका देगा। ढुमका दिया, मारना हेलो। ये अंडा, ये भाई अंडा नहीं आ गया अंडा, ये भी मेरे ख्याल से अभी ताज़ा ताज़ा दिए। तो ये दो, ये वाला अंडा तो मेरे ख्याल से टूटा है। हाँ बाकी ये टूटा हुआ है, एक सही है ना। तो ये मुर्गी का चौथा अंडा है, ये वाला अंडा इसका अपना नहीं है। तो ये चार, तो मनु भी आ गया, सही है। तो यार मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, मैं एहतिशाम को भी सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन एहतिशाम तुम्हें एक सरप्राइज पता चले और क्या हुआ है, किसने बच्चे दिए? अच्छा तो ने दिए, चले ये भी इसको बता लगे। ये तुमने यहाँ क्यों रखा है? तो ना खुद खरगोशे ने खुद ही तो नहीं रखा। तो यार आप लोग के एक सरप्राइज देता हूँ, मैं एहतिशाम को भी देने वाला था, लेकिन एहतिशाम ने देख लिया। या हमारी वाली इस वाली ये हमें, हम कल लाए एक नया मुर्गा, वो जो हमारे फार्म का वापस से किंग आ गया। किंग नहीं होता, किंग। छोड़ो एहतिशाम, थोड़ा उसको बाहर आने दो। यार ये मुर्गा जो है कुरीज में, ये मतलब इतनी जल्दी हाथ में भी नहीं आता, दूसरे इसको हम हाथ में पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसके नए नए पर है ना, इसके पर सारे टूट जाएंगे। आ जाना जंगली एहतिशाम, थोड़ा अंदर जाओ, उसको बाहर निकालो। नहीं नहीं कुछ भी नहीं करता, आम सा मुर्गा है, लेकिन है थोड़ा सा, इसके लिए मुर्गी अच्छी सी ढूंढनी है। ये देखें, ये देखें अभी, ये देखें, ये देखें, ये आ गया जवान। लड़ेगा तो लड़ेगा, लड़ेगा तो उसका प्यो भी, ये लड़ेगा, जाएगा लड़ेगा, अच्छे जाएगा लड़ेगा, लड़े ना लड़े ना, इसके लिए भी एक, ये देखें देखें, लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है लड़ना। इसके कांटे देख, मैं इसके कांटों पे दा फोकस मारे आप। वही वही लड़ गया, लड़ गया, हटाओ 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 हटाओ, लड़ गया लड़ गया भाई। अबे ये भी खुल गई है, टर्की को, टर्की को देखो, टर्की टर्की को देखो। अबे अबे उठाओ इसको, उठा लो इसको, एहतिशाम जाल में बंद करो, इस तरफ यहाँ बंद कर दो, यहाँ कीड़े हैं थोड़े बहुत। हाँ बड़ी बकरी भी, ओ बड़ी बकरी खुल गई, इसको तुम यहाँ बंद करो। हाँ ये नया परिंदा तो यही होता है भाई, फिलहाल कोई लड़ने की करता है इनसे, तो इससे अच्छा है कि इसको बन ही रखे हम लोग। ये देखो व्हाइट वाला मुर्गा वापस से लड़ने की कर रहा है इससे, हटाता हूँ, तुम इसको बंद करो। बकरियां तुम बाहर जाओ भाई, जाओ 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 जाओ। तुम लोग का, तुम लोग का, तुम्हारा अड्डा यहीं पे ही है, तुम लोग इधर ही स्टेबल हो, सेफ हो, सही है। बराबर इनको हटाओ, एहतिशाम में कुर्सियाँ मुर्सियाँ उठाओ, मैं झाड़ू मारता हूँ तमीज वाला। इधर आ जा मुर्गे, मुर्गा तू, अबे भाई ये क्यों डर रहा है मुर्गा यार, ये जाओ। उए उए ये लड़े ना यार, ये लड़ेगा मसला करेगा, लड़े ना, वो अपना खाए पिए डर जाए, अल्लाह करे हमारे वाले से डर जाए, ये हमारे वाले से डर जाए। तो बस अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो बबलू ने फायदे को, बबलू ने टाइम का फ़ायदा उठाया और खाना शुरू। हाँ हाँ कहाँ पे इसको छोड़ो, तुम ये कुर्सियाँ उठाओ, मैं थोड़ी जगह साफ करूँ झाड़ू ला के। अबे इतना वो है, इतना इसकी असल अम्मा थी गया है, यहाँ थोड़ा सफाई करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो यार फाइनली झाड़ू सारा लग गया, सही है, कचरा सारा एक कोनों कोनों पे बटोर लिया। लेकिन मसला ये कि अभी लाइट का इंतजार, जब लाइट आएगी तो पानी मारेंगे। दूसरी बात, बकरियां देखने तो शाम क्या होगा, कहीं आगे पीछे ना हो जाए भाई बकरियां। और तीसरी बात ये कि तीनों मुर्गे देख मैं इनको बंद किया हुआ है आज, क्योंकि ये नहीं है, ये दोनों आपस में उससे लड़ते हैं। अगर मैं उसको खोलता हूँ वो एक एक करके इससे लड़ता है, फिर हम इससे छुड़ाते हैं, दुम खराब करें, इससे छुड़ाते हैं, जाके उससे लड़ने लग जाता है। तो तीनों को हमने बंद किया हुआ है, लेकिन तीनों को हमने मिट्टी वाली जगह दी हुई, मिट्टी में थोड़ा सा पैर में मारेंगे खुद ही टाइट हो जाएंगे, लेकिन दी भी इनको मैंने ऐसी जगह। और बाकी अभी थोड़ा पानी का इंतजार करते हैं, जब तक हम जाते एक कच्चा मच्चा सारा उठाते हैं और बकरियों के लिए चावल लेने जाते हैं। हमारा खरगोश जो है ना, उसने नए बच्चे दिए, वो बच्चे अक्सर नहीं इन खड्डों में होते हैं, इस जगह पर बड़े वो लोग आ रहे होते हैं। अभी है कि नहीं है, देखें अभी भी एक है, वो देख रहे हैं, इसको मैं उसके फत्ता मार के निकालता हूँ। लगा, कहाँ गया, इतनी स्पीड तो उसकी नहीं हो सकती। खैर यहाँ होगा, यहाँ इसके अंदर ही होगा। ओके, बोला ओके, इसको निकालते हैं फिर मिलते हैं। ये जाए भाड़ में जाए मेरे को क्या है इससे। उस दिन तो यार, उस दिन मैं जब नहीं था ना, तो हमारे घर वालों ने नहीं भाई, बड़े भाई ने तो बाजू स्टाइलों के ऊपर डाला था, और टाइलों के नीचे आधे से ज़्यादा बाजवा देख, मैं इसके नीचे भी है, उसके नीचे भी बहुत सारे, उससे ज़्यादा नहीं है, इसके नीचे था। तो मैंने सारा इनको निकाल लिया, इनका तो हो गया काम, अब चल। और मनु को प्यास लगी यार, उनके लिए पानी लाते हैं, एक तो ये फंस गया, इसको वो रो रहा है बेचारा, देख रहे हैं वो मार भी नहीं रहा, देखें हल्का हल्का तमीज़ से ले कर चल रहे हैं, देख रहे हैं कि यार जो बकरियाँ घूम के आई उनको प्यास भी लग गई बढ़िया फील करके, तो वो लोग पानी पी रहे हैं रच के। तो देखें अभी तीनों माशाल्लाह, देखें प्यास लगती है गर्मी में, प्यास ऐसी हाँ, मैंने देखा खुद ही पकड़ रहा था तो हाथों से गया ना। अब तुम्हारी सजा ये कि तुम सारा कचरा टाली नहीं जाओ। हाँ वो खोलना था उसे, वो देखो गया गया लड़ने गया, देखे वो गया जाल के, वो देखे जाल में, वो देखे गया उस मुर्गे के पास, गया पी लिया पानी, पी लिया भाई वैसे पी लिया, अभी इसका नंबर है, यही पिएगा, पीते है पानी, ऐसे ऐसे गुस्सा है, ऐसे टच करेगा फिर क्या करते देखना, ये देख ये भी टच करेगा पानी के, रहते शाम देखना टच करेगा ना, 40 दिन का तो हो गया, और कितना साफ लग रहा है माशाल्लाह। झाला चेक कर, इसकी झाला वाला बकरा जो मांगा भाई वो मिल गया माशाल्लाह से, सही है। किसी चीज़ की हमें मतलब ख्वाहिश की अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ एक बंदा है भाई, उसके बाबा ने उसके बाद मेरे जैसे काम हुई बकरी, उसकी बकरी ने ऐसा प्यारा गुलाबी बच्चा दिया था, मैं उस बाबा को बोलता था मेरे को बेच दो, बोलता था बेटा जाओ नहीं बेचना, मैंने अगली बड़ी तक पालना है इसको, मैं फिर इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ। उसकी नियत खैर अच्छी थी, और डांट रहा था अपनी जगह पे डांट रहा था, क्यों और उम्र से वो ज़्यादा था, और मैं एक बच्चा था, बाबा ज़िद कर रहा था, तो उसने मेरे को सुना दी ना। तो मैं इसको देखें मर तो नहीं गया, नहीं जिंदा है। मैंने बोला चले खैर है बाबा, और मैं 29वीं शब को अल्लाह ताला ने मेरे को भी बकरी का बच्चा नस्ली करके दे दिया था, और माशाल्लाह, और वो भी माशाल्लाह ऐसा दिया है ना कि बस खा पी रहे हैं अपने मज़े में, फुल मस्त है, हमने कि रोका नहीं है इसको कभी। या ए दो ही बार मैंने दूध निकाला था, वो पहली बार जब इसने गंदा दूध देती है बकरी, दूसरी बार एक बंदे ने मांगा था, उसके अलावा मैंने आज तक ना इसके दूध को थनों को कभी हाथ लगाया, और ना मैंने ये देखा है कि हाँ वो निकाला था, फिर उसके बाद मैंने सारा उसको पिलाया। ये माशाल्लाह देख, मैं भी आपके सामने ही है, जितना दूध पीता है
खाता है, मिट्टियाँ खावे, हर चीज खाता है, मिट्टी खाता है, ये बात इसकी मेरे को हजम नहीं होती। खरगोश व्हाइट खरगोश चाय, आजकल आपने भी नोट किया होगा, मैं भी नोट करूँ कि यहीं पे ही रहते हैं यहाँ। और खरगोश एक ऐसा तेज तरीन जानवर है ना, जो मतलब बहुत दिमाग वाला है, इंसान जितना दिमाग है उसका। छाँव होगी, धूप है ना, सारे आके छाँव में बैठे हुए, ऐसा खरगोश मेरे को आप लोग दिखाएं जो धूप में बैठा हो ऐसा। हाँ ऐसा खरगोश नहीं है भाई, सारे माशाल्लाह नहीं है, सब छाँव में बैठे रहते हैं। और बाकी जो आम जानवर है ना, बकरियाँ, बकरियों को धूप छाँव जो भी दे दो गल ऐसे। तीसरा खरगोश, तीसरा वाइट खरगोश कहाँ है, तुम गिनो, ये मेरे को पूरे नहीं लग रहे। दो ये है, हाँ गिनो जा, बच्चे को छोड़ो, व्हाइट वाला पूरा नहीं है यार, ये व्हाइट वाला कहाँ गया। सुराख में ना घुसाओ, इधर है जो सही है, पांच माशाल्लाह पांच के पांच पूरे हो गए। मनु वो देखे, ये जाते हैं थोड़ा सा थक थका के, फिर वापिस आ जाते हैं दूध पीने। शाम वो पानी की बाल्टी आगे ले आओ, इन सब को यही वक्त था कि सब पिए भाई, बच के पिए। इसके बच्चे के क्या हाल हवाल है, मारूगी तो नहीं, कभी नहीं। इतना बड़ा ये देखे टब भर के दिया तरबूज का, ये तरबूज आधे से ज़्यादा लेते हैं। ये दे, ये लो, ये लो, ये लो भाई, ये लो, उधर देखे इनको, सबको देखना। अच्छा ये लो, ये लो, थोड़ा सा एक मुट्ठी उठाया और इधर, तो ये माशाल्लाह से इसमें जो नहीं है, ये देखें ये लाल लाल, आज मैंने सारा इसी में काट दिया, ये इनफ भाई। तो ये लोग ये खाते रहेंगे, सही है, देखें नया वाला मुर्गा भी माशाल्लाह खा रहे, ये भी गर्मी से आप रहे, सभी आप रहे। तो एक बड़ा सा तरबूज है वो ख़राब है, वो यहाँ लाते हैं, वो ऐसे ही काट के रख देते हैं। ये देखें बबलू को लग रही है, बड़ी बकरी को बांधता हूँ थोड़ी देर में। अब ये देखें एक तरबूज अभी इनको काट के दिया, उस वाले पे बबलू चिपक गया, यहाँ पे चिपक गया, सही है। तो हमारी इस वाले मुर्गे को भी खोलते हैं, ये देखें बस खुलने वाला था, ये लड़ेगा अभी, ये उससे जाके लड़ेगा, इसको उस वाले को बंद करते हैं। ओके उसको भी खोलते हैं, उस वाले को भी खोलते हैं, और अपनी आंखों के सामने इन सबको खिलाते पिलाते हैं। यार अभी एक मुर्गी है घुसी थी, कौ का कभी थी, मैं अंडा मंडा देने घुसी थी, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ, शाबाश शेबा। ये भी आ गया यार, ये खरगोश नहीं, बाबा नहीं है, कटोरा है यहाँ बकरी है, पता नहीं क्यों बकरी, अपने बच्चों के लिए बकरी, किसके लिए बकरी, इसका कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं किस लिए बकरी। वो काली मुर्गी कहाँ गई हमारी, ये भी काली मुर्गी, काली मुर्गी, काली मुर्गी। इसको देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत हुआ है, वापस से अपने आप को गंदा कर रहा है। इधर बजाओ, इसको बंद करते हैं, बोखें इसको बंद करते हैं, इसको पकड़ता हूँ, ये देखें इसके मुंह पे लग भी गई है, ये देखें इतना हल्का हो रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह क्यों बोल रहा हूँ, हल्का हो रहा है ये तो। तो यार फाइनली यार उस मुर्गे को वहाँ बंद कर दिया, देखें जाल माल हर चीज़ लगा दी, आपको दिखाता हूँ, इतना मैंने सख्त उसकी सिक्योरिटी रखी, एक तो कील से दबा था, ऊपर से जाल, ऊपर से ये, सही है। अब उसके आने के इम्कान बहुत मुश्किल है, अंदर ही खाना दे दिए, बाकी इन सबको यहाँ दे दिया, अब खाली रह गई ये बड़ी बकरी को बांधना, क्यों वो अक्सर इन बकरियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, तो उसको सबसे पहले बांधते हैं। तो यार इतना कचरा साफ़ किया था, उठाया नहीं तो गलती से, देखें कल इनको मैंने एक तरबूज काट के दिया था, उसका हाल देखें कैसा कड़क हो गया, हिल ही नहीं रहा। कुकी भी कुकी कहाँ गई, वो मेरे ख्याल से वापस अपने अंडों पे चले गई है, हाँ वापस वो अपने अंडों पे चले। तो यार आखिरी इनको पानी देते हैं, पानी की इनकी काफ़ी कमी महसूस हो रही है, और सब हाँप रहे हैं, तो इनके लिए पानी वापस से लाते हैं, जब तक इस बड़ी बकरी को बांधते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, ये बाल्टी इधर लाते हैं, इससे होगा कि ये इधर आएगी और रस्सी दे देगी हम सब। आ जाओ, आ जाओ, अब इसकी बच्ची कहाँ है, ये भी दो, अब डायरेक्ट इसको जादू से बांधते, ये और ये,
तो यार अभी इनको भी चावल डाल दिया, इसको भी चावल डाल दिया, ये तो कभी कयामत के आखिरी दिन तक कभी कभी इसका पेट नहीं भरेगा, इसकी तो गारंटी है। सही है, तो ये खाने पूरा दिन खाता है, ये धूप में पता नहीं क्यों बैठते हैं खरगोशों का। मैंने आपको बोला था, ये देखें सारे छाँव में, सही है सब के सब छाँव में। तो यार बस इस व्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि इन सब का खाना हो गया, अब हमारे खाने की बारी है, तो हम अभी खाने के लिए चलते हैं। तो इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त मस्त करें, तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मौका आप है।